अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। फेडरल बोर्ड बायोलॉजी क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है और इसके एक्सरसाइज एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। राइट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, प्लाज्मा सेल्स आर द सेम एज मेमोरी सेल्स formed from blood plasma. B cells that are actively secreting antibody inactive T cells carried in the plasma. तो प्लाज्मा सेल्स हमारे पास जो है कौन से सेल्स होते हैं? ऐसे सेल्स जो हमारे पास जो है बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे पास जो है एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, यानी एंटीबॉडी सिक्रीटिंग बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे पास जो है प्लाज्मा सेल्स होते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा, बी सेल्स दैट आर एक्टिवली सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, एंटीबॉडीज कम्बाइन विद एंटीजेंस एट वेरिएबल रीजन एट कॉन्स्टेंट रीजन ओनली इफ मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट। ऑप्शन बी ऑप्शन डेल्टा है जी, बोथ अल्फा एंड चार्ली आर करेक्ट। तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारे पास जो है कंबाइन करते हैं एंटीजन के साथ एट वेरिएबल रीजन, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। कॉन्स्टेंट रीजन जो होता है ये हमारे पास जो है एंकर करता है मॉलिक्यूल को सेल के साथ, एंकरिंग के काम आता है, तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वैक्सीन्स आर द सेम एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरसेस और वन ऑफ देयर प्रोटीन्स मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स प्रोटीन्स नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। तो वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन्स की मेनली यहाँ पर जो है उसने डेफिनेशन पूछी है। तो वैक्सीन्स हमारे पास जो है वीकेंड या फिर हमारे पास जो है डेड बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं जो हमारे पास जो है पैसिव इम्यूनिटी के काम आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन बी जो है ट्रीटेड बैक्टीरिया एंड वायरसेस और वन ऑफ देयर प्रोटीन्स बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एडिशन टू इम्यून सिस्टम वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेज बाई। इम्यून सिस्टम के साथ साथ हम जो है डिजीजेज से कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? बॉडी टेम्परेचर के साथ, हॉर्मोन्स के साथ, एंटीजेंस के साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया के साथ। तो म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया जो हैं और इसके साथ जो है इम्यून सिस्टम ये हमारे पास जो है हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज के साथ। म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया जो हैं ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो हैं वो हमारे पास जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं। और एंटीजेंस तो जो हैं ये हमारे पास जो है डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं, डिजीज़ काजिंग एजेंट्स को एंटीजन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फीवर्स डिक्रीज इंटरफेरॉन प्रोडक्शन, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फैगोसाइट्स, डिक्रीज द रिप्रोडक्शन ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया। तो हमारे पास फीवर या फिर हाई टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास जो है डिक्रीज़ करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन ब्लड। तो आयरन जो है ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए जो है वो हमारे पास जो है आयरन जो है रिक्वायर्ड होता है। जब आयरन ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं हो सकेगी, रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास जो है स्लो डाउन हो जाती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है और कुछ हद तक जो है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन भी राइट बन सकता है। तो मेनली जो है वो हमारे पास मोस्ट जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो बीटा ही बनेगा एमसीक्यू नंबर 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, टी एंड बी सेल्स आर लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस नेचुरल किलर सेल्स रेड ब्लड सेल्स। तो टी एंड बी जो सेल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो मेनली हमारे पास जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं। मैक्रोफेजेस जो हैं ये हमारे पास जो है मोनोसाइट से बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स का तल्लुक ही नहीं है बिकॉज ये जो है वो हमारे पास WBCs हैं। और नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो हमारे पास जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, टी सेल की टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉरेन मॉलिक्यूल दैट इवोक इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड पैथोजेंस एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स हिस्टामिन्स। तो हमारे पास जो बुक में आंसर है वो एंटीबॉडीज़ है, लेकिन ये आंसर जो है वो हमारे पास रॉन्ग होगा। फॉरेन मॉलिक्यूल्स जिसने कहा जो हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स इवोक करते हैं, तो यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो हमारे पास पैथोजेंस बनेगा। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ की जगह अगर हमारे पास एंटीजेंस होता तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो राइट बनना था। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन बी सेल्स आर प्रेजेंटेड विद एंटीजन दे डिफरेंशिएट इनटू। जब बी सेल्स के साथ जो है वो एंटीजन मिलता है तो वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं किस में? T
टी सेल्स में, हेल्पर टी सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में, बर्सा सेल्स में। तो जब हमारे पास जो एंटीजन जो है प्रेजेंट करता है बी सेल्स पर, तो ये हमारे पास जो है एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं, सेक्रीटिंग सेल्स, वो हमारे पास जो है प्लाज्मा सेल्स कहलाते हैं। तो चार डी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, मेमोरी सेल्स आर मॉडिफाइड टी सेल्स, बी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर सेल्स। तो मेमोरी सेल्स मेनली वो सेल्स होते हैं जो हमारे पास जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में जब जो है रिकरेंट अटैक्स होते हैं किसी भी डिजीज़ के, तो वो हमारे पास जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेनली बी सेल्स ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वन रिसीव्स अ बूस्टर शॉट फॉर पोलियो, विच टाइप ऑफ सेल इज़ मोस्ट डायरेक्टली स्टिमुलेटेड। बूस्टर शॉट जब लेंगे तो कौन सा सेल जो है डायरेक्टली स्टिमुलेट होगा, किलर टी सेल्स, मेमोरी सेल्स, फैगोसाइट्स, सप्रेसर टी सेल्स। तो मेनली जो है बूस्टर शॉट्स जो है ये हमारे पास जो है मेमोरी सेल्स को जो है स्टिमुलेट करने के काम आता है, ताकि जब हमारे पास जो है डिजीज़ हो, डिजीज़ का अटैक हो, हमारे पास एंटीजेंस हो, तो हमारे पास जल्द से जल्द जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो कम्प्लीट होते हैं, चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी के। करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह मिलेंगे एक नंबर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।